Hello everyone, very good evening to all of you. Welcoming you all once again on India's largest learning platform, Un Academy. स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से Un Academy पर. मैं हूं रवि सिंह, आपका जीएस मेंटर. एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके के 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ योर्स. आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इनमें से हो सकता है कुछ आए, कुछ हो सकता है मैक्सिमम आ जाए. तो आज बने रहते हैं इस सेशन के साथ में. हेलो एवरीवन, आई एम रवि सिंह, योर जीएस मेंटर, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. वी आर हियर टू क्रैक द सीडीएस एफकैट सीपीएफलेट एग्जामिनेशंस. दीज आर माय educational background. I am a postgraduate teaching since 2014. Till now, I have been mentored more than 20,000 students of various categories. We are here to crack the CDS FCAT CAPFL examination on India's largest learning platform, Un Academy. Get the plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. You will get here daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, and also the unlimited access on Un Academy. You just have to download the Un Academy learning app and start your live classes with India's best educators. To unlock the all free content, use my code RaviUN and unlock the all free content of Un Academy and also join the various quizzes of Un Academy. Here we are providing more than 1,423 courses for NDA, Air Force, Navy, UPSC, CDS, FCAT, CAPF, Air Force, Navy, Service Selection Board, Current Affairs, Geography, Reasoning, General Awareness, English, Indian Economy, Science, Mathematics, सभी तरह के courses यहाँ पे available हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं. Just download the Un Academy Learning app and start your journey towards your success, towards your dream, towards your goals. Also connect with us on our Telegram official channel. Link has been given in the video description. So the very first question in front of you is, Sudarshan Lake repaired second time under the reason of A. Skandgupt, B. Kumargupt, C. Rudradaman, ya D. Pandit. Sudarshan Jhil के किसके शासनकाल में दूसरी बार मरम्मत करवाई गई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत दूसरी बार किसने की थी? सुदर्शन लेक रिपेयर सेकेंड टाइम अंडर द रीजन ऑफ ए स्कंद गुप्त, बी कुमार गुप्त, सी रुद्रदामन या डी पंडित. सो द करेक्ट आंसर इज स्कंद गुप्त. करेक्ट आंसर इज स्कंद गुप्त. The Junagadh inscription gives the information about the Sudarshan Lake that the lake was an artificial reservoir. Reservoir actual में क्या होते हैं? ऐसे कृत्रिम जलाशय जहां पर बाढ़ के पानी को रखा जाता है, रोका जाता है और बाद में उनका यूज किया जाता है. Was built by the Mauryan emperor of checking floods. इन्होंने बाढ़ की जांच करने के लिए इस रिजर्वॉयर को बनाया गया था और मॉडर्न काल में बना था. 150 एडी में, 150 ईस्वी में इस झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा कराई गई. अराउंड 150 एडी द लेक वाज रिपेयर्ड बाय द शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट एंड इट वाज अगेन रिपेयर्ड अंडर द स्कंद गुप्त रीजन 415 टू 455 एडी बाय हिज गवर्नर पंडित. किसने इसको रिपेयर किसने किया था? पंडित ने किया था. करवाया किसने था? स्कंद गुप्त ने करवाया था. ये आपके सामने एक कॉइन की झलक है, स्कंद गुप्ता की कॉइन की. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Mughal ruler had higher number of Hindus as mansabdar than Muslims under his administration? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी शाहजहां। किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? सो द करेक्ट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये सिक्स्थ मुगल एम्परर था। सिक्स्थ मुगल एम्परर। फर्स्ट वन इज बाबर, हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में आते हैं बहादुर शाह जफर फर्स्ट। बहादुर शाह जफर फर्स्ट। इसके बाद में आते हैं फारूक शियर, शाह आलम, सॉरी मोहम्मद शाह। जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है, जो मेन शासक है यही है। ये सिक्स, नंबर सिक्स पे औरंगजेब था। ये थोड़े सा अपनी कट्टर सोच के लिए जाना जाता था। इसने अपने दरबार में बैन कर दिया था डांसिंग एंड सिंगिंग को। डांसिंग एंड सिंगिंग, नृत्य और गाना, नाच गाना पूरी तरह से बैन कर दिया था इसने। और खुद एक ये बहुत अच्छा वीणा प्लेयर था। ही वॉज अ ग्रेट वीणा प्लेयर। ठीक है। औरंगजेब का मानना ये था कि धर्म की जगह पे हमें काबिलियत के हिसाब से हमें पद देने चाहिए। बिलीव दैट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी रेदर देन रिलीजन। ड्यूरिंग हिज रीजन द नंबर ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रोज बाई हाफ, मैनी ऑफ देम मराठास एंड राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफी लैंफी, अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज अ जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। शेफी लैंफी एक पारंपरिक कपड़ा है। निम्नलिखित में से किस राज्य का जीआई उत्पाद है? ए असम, बी मणिपुर, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी आंध्र प्रदेश। शाफी लैम्फी इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज अ जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। शाफी लैम्फी एक पारंपरिक कपड़ा है। निम्नलिखित में से किस राज्य का जीआई उत्पाद है? असम का, मणिपुर का, जम्मू एंड कश्मीर का या आंध्र प्रदेश का? ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। शाफी लैम्फी क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन एक कलाकृत कपड़ा है जिसको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, जो फैब्रिक वुमेन का बना हुआ है एंड एम्ब्रॉयडेड बाय मेईतेई वुमेन ऑफ मणिपुर। मेईतेई महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। मेईतेई महिलाओं द्वारा बुना और काशी दे कार करने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है। इन इन द पास्ट, इन द पास्ट भूतकाल में क्या होता था? दिस क्लोथ वॉज प्रेजेंटेड एज ए गिफ्ट ऑफ ऑनर मानाफी ऑफ द सोल्जर्स।
फॉर देयर ब्रेवरी इन सक्सेसफुल वॉर। ये पहले जो है सफल युद्ध में सैनिकों की बहादुरी के लिए मणिपुर के राजा द्वारा मणिपुर के नागाओं के प्रशंसनीय प्रमुखों के लिए कपड़े को सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अभी इसको जीआई टैग भी मिल गया। द पुली बडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रे बेलीड ट्रैपोगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पुली बडजे वन्य जीव अभयारण्य जो ग्रे बेलीड ट्रैगोपन का प्राकृतिक आवास है किस राज्य में स्थित है? ए त्रिपुरा, बी ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी नागालैंड। आंसर करिए जल्दी से। पुली बडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी नागालैंड। सो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। इट इज लोकेटेड इन नागालैंड इन द स्टेट ऑफ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहिमा। कहाँ पे है? कोहिमा जिले के अंदर है, नागालैंड के कोहिमा जिले में है। 923 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, 923 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है। द पुली बडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 923 हेक्टेयर्स। अभयारण्य वेल्स ट्रैगोपन के लिए मशहूर है, ग्रे बेल्ट ट्रैगोपन। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, किसको माना जाता है? यस सुनील डांगी, दिस क्लास इज फॉर सीडीएस एफ गेट सीएपीएफ एग्जामिनेशंस। बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीस कुरियन को या नन ऑफ द एबो? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है एंड वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में सफेद क्रांति के लिए, सफेद क्रांति किससे रिलेटेड थी? मिल्क प्रोडक्शन से। दूध को बढ़ावा देने के लिए। नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइल वर्गीस कुरियन इज नॉन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इन लेट 1960s एम एस स्वामीनाथन ए प्लांट जेनेटिक्स, ये क्या थे? एक पादप अनुवांशिकीविद थे। इन्होंने क्या किया? ही डिजाइनेड, हरित क्रांति को डिजाइन किया और नेतृत्व करने की मदद की। एक विशाल विकास प्रयास जिसने कुछ ही वर्षों में भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता प्रदान की जो दशकों से घातक अकाल से पीड़ित था। उस टाइम पे क्या होते थे? ड्रेनेज वगैरह बहुत ज्यादा, ड्रॉट्स वगैरह बहुत आते थे, अकाल वगैरह, फेमिनाइन वगैरह काफी ज्यादा आते थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा इन्होंने क्या किया? कुछ बीजों को अपनाया, बनाया, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज से, जिनसे क्या हुआ? प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया।
प्रोडक्शन लगभग 150% टू 200% हो गया, 1.5 गुना से 200 दो गुना बढ़ गया। विच वॉज द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विद वेंगी? कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा? कल्याण और वेंगी को जोड़ने वाला व्यापार केंद्र कौन सा था? तगार, शिपुरा, त्रिपुरी या ताम्रलिप्ति? विच वॉज द इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एशियन इंडिया ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी? सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तगार। ठीक है, कल्याण कहाँ था? कल्याण महाराष्ट्र में, कल्याण इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एंड वेंगी इज लोकेटेड इन, वेंगी इन कर्नाटका। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक बिजनेस पॉइंट था, एक व्यापार केंद्र था जिसको तगार कहा जाता था। तगार वॉज द इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी। इन कॉन्टेक्स्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना व्हाट इज तियानवेन वन? चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में तियानवेन एक क्या है? एक उपग्रह है, एक अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है, एक सुपर कंप्यूटर है या एक वेपन? वेरी गुड इवनिंग अवशार बीट्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। इन कॉन्टेक्स्ट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना व्हाट इज तियानवेन वन? इट इज अ सैटेलाइट, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, ए सुपर कंप्यूटर और अ वेपन? चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में तियानवेन वन क्या है? सो करेक्ट आंसर क्या है? ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसका मेन काम था मून पे जाना। चंद्रमा पे जाना चाहते थे, सॉरी, फर्स्ट मार्स मिशन था, पहला मंगल मिशन था, जिसमें ये कंप्लीट ऑर्बिटिंग भी करना चाहते थे, लैंडिंग भी चाहते थे, रोविंग भी चाहते थे, सिंगल ऑन अ सिंगल मिशन। एक सिंगल मिशन के अंदर ये मार्स पे पहुंचना, वहां पे लैंडिंग करना, वहां की ऑर्बिटिंग करना, रोविंग करना, ये सारे के सारे चीजें। तियानवेन वन जो इनका नाम है, दैट इज मीन्स क्वेश्चंस ऑफ हेवन, स्वर्ग के प्रश्न। दैट इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ ए पोयम बाय क्यू युआन अबाउट 340 to 278 BC, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन एंशियंट चाइना। प्राचीन चाइना के बहुत ही महान, सबसे महानतम कवियों में से एक थे, उनकी रचना से ये लिया गया है तियानवेन वन, जिसका मतलब है स्वर्ग के प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर? निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ए आर्म्स एक्ट, बी रॉलेट एक्ट, सी पब्लिक सेफ्टी एक्ट या डी वर्नाकुरल प्रेक्स एक्ट? सशस्त्र अधिनियम, रोलेट एक्ट, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम या डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर? निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या है? रॉल एक्ट एक्ट, जो कि 10 मार्च 1919 को, 1919 में आया था। इस कानून को ब्लैक लॉ भी कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत था क्या कि अगर कोई भी सस्पिशियस पर्सन है,
तो उसको अरेस्ट कर लेना, उसको अरेस्ट कर लेना, और विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी हियरिंग उसको सजा भी दे देना, कोर्ट बिना कोर्ट ले जाए, बिना कोर्ट ले जाए उसको सजा दे देना। इसी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वेरी गुड इवनिंग विकास, खुश रहिए। और जहां पे ये मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में आया था, 1878 में आया था। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि लोगों ने अपने पास हथियार, क्रांतिकारियों ने जन्म ले लिया था, हथियार वगैरह रखने शुरू कर दिए थे। अब इन्होंने एक लाइसेंस लाया, एक आर्म्स एक्ट लाया, जिसके तहत किसी को भी, ये ब्रिटिशर्स को शुरू छोड़कर, ब्रिटिशर को छोड़कर किसी को भी ये लाइसेंस नहीं दे देते, ब्रिटिशर्स को छोड़कर किसी भी को लाइसेंस नहीं देंगे। इसका मतलब इंडियंस को लाइसेंस मिलना चाहिए था, और अगर वो कोई भी आर्म्स रखते हैं, किसी भी तरह का कोई आर्म्स, कोई हथियार अपने पास रखते हैं, तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, बिहाइंड द बार्स भेज दिया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बदतमीजी की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसके तहत इन्होंने क्या किया भाई, देखो इंडिया में इंग्लिश किसी को ज्यादातर आती नहीं थी, जो भी पत्रिकाएं, जो भी न्यूज वगैरह चलती थी अदर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में चला करती थी, उसको इन्होंने बैन करने के लिए क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए, जिसके तहत इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी न्यूज पेपर छापा जाएगा, कोई भी मैगजीन अगर पब्लिश होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी, अगर किसी और माध्यम से होगी तो उसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे फिल्मों पे आजकल सेंसर बोर्ड्स होते हैं, ऐसे ही ये कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन है? ए फाइनेंस मिनिस्टर, बी कॉमर्स मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर, या डी कैबिनेट मिनिस्टर? हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स इन इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर? ए फाइनेंस मिनिस्टर, गलत आंसर है विकास, करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इकोनॉमिक अफेयर कमेटी का क्या काम है भाई, इकोनॉमिक कैसे बढ़ती है भाई, देश में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट लाना, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, नए रोजगार आएंगे तभी तो आएंगे जब नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। उन इकोनॉमिक कंडीशनों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का प्रमुख कार्य देश के लिए सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति बनाना, एक ऐसी आर्थिक नीति जो सभी समस्याओं और संभावनाओं पर निरंतर काम कर सके, उसकी समीक्षा कर सके, और आगे आने वाली कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिससे रोजगार का लाभ मिले लोगों को, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, और साथ ही साथ विदेशी निवेश को लाया जाए, विदेशी जब निवेश आएगा तो उससे भी क्या है, रोजगार बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA काम करती है। द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया? प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए पौंडीचेरी, बी माहे, सी दमन या डी गोवा? बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ लोकेटेड है? बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ पर लोकेटेड है?
कहाँ पे है ये? गोवा में है, ये गोवा में लोकेटेड है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर इमारतों में, खासकर जो चर्चेस वगैरह हैं, जो पुराने चर्चेस हैं, जो मठ वगैरह होते हैं, उनके तहत इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। इसके अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर की, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष है, उनकी अस्थियां वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, और ये गोवा में है और रोमन कैथोलिक बेसिलिका है, और गोवा की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के चर्च और मठों का एक हिस्सा है। विच अमंग द फॉलोइंग सातवाहन या सात और सातकर्णी रूलर्स रिकवर्ड मालवा फ्रॉम शाका रूलर्स, निम्नलिखित में से किस सातवाहन या सातकर्णी शासकों ने शक शासकों से मालवा को पुनः प्राप्त किया? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी वन, सी हाला, या डी यज्ञसारी सातकर्णी। आंसर करिए भाई जल्दी से। विक्रम, विकास, अवशार, सुनील दागी, डांगी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डी, यज्ञसारी सातकर्णी। ठीक है, इनके बारे में दो अभिलेख मिलते हैं, फर्स्ट फ्रॉम नासिक केव्स, नासिक की गुफाओं से, और दूसरा कन्हेरी की गुफाओं से। इनमें बताया गया है कि जो अंतिम महान शासक थे सातकर्णी के, यज्ञसारी सातकर्णी, वो मालवा और कोंकण को जीतने में, मालवा एंड कोंकण इन दोनों जगहों को वापस जीतने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने जीती। ये कुछ कॉइन्स हैं सातवाहन किंगडम के, सातवाहन किंगडम के कुछ कॉइन्स हैं जो अलग अलग आकृतियों के अलग अलग धातुओं के बने हुए। विच अशोकन पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वॉज प्रोहिबिटेड? अशोक के कौन से स्तंभ के शिलालेख में उन जानवर और पक्षियों की सूची दी गई है जिनकी हत्या प्रतिबंधित थी? ए पिलर एडिक्ट 5, बी पिलर एडिक्ट 8, सी पिलर एडिक्ट 12, या डी पिलर एडिक्ट 10। चलिए आंसर करें जल्दी से। पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोकन पिलर एडिक्ट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पिलर एडिक्ट 5। देखिए पिलर एडिक्ट 5 में इन्होंने दो लिस्टें दी हैं, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2। एक लिस्ट ऐसी है, कुछ एक लिस्ट ऐसी है जिसमें इसमें कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स दिए गए हैं। इनकी हत्या बिल्कुल, किलिंग जो है पूरी तरह से बैन थी, इनको कभी भी नहीं मारा जा सकता। दूसरी एक लिस्ट ऐसी थी जिनको कुछ स्पेशल डेज में, सम डेज में, कुछ दिनों में इनको नहीं मारा जा सकता। ठीक है, और साथ ही साथ इस एडिक्ट पे 25 प्रिजनर्स को रिलीज करने की भी जानकारी मिलती है, 25 प्रिजनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग्स
एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल या डी देवपाल टू। विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल वंश के ये दूसरे संस्थापक थे और ही वॉज ए बौद्धिस्ट किंग, ये एक बौद्ध राजा था। इसने पांच विहार बनवाए, 5 विहार्स। फर्स्ट इज विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी ठीक है, ओदंतपुरी में, पहाड़पुर में और सोमपुरी में। पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल एक पवित्र बौद्ध राजा थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार, भागलपुर के निकट कहलगांव में। सोमपुरी में एक विहार बनवाया, पहाड़पुरी में एक, ओदंतपुरी में एक और इसके साथ नालंदा और विक्रमशिला में। बख्तियार खिलजी ने 1200 AD में, 1200 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। सोमपुरा महाविहार अब बांग्लादेश में और भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध महाविहारों में से एक है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज की गई है? मोहनजोदाड़ो, कोटबाला, कोटदीजी, खिरासारा, खिरसरस। टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज किस जगह से की गई है? हड़प्पन साइट्स में से कहां से की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो से की गई है। इट वॉज द लार्जेस्ट सिटी, ये सबसे बड़ा शहर था। सिटी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की सबसे बड़ा शहर था। इसके अंदर से, यहां से आर्कियोलॉजिकल साइट इन प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान, बिल्ट अराउंड 2500 BCE। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरियस डिस्कवरीज क्या क्या है यहाँ पे? ग्रेट बाथ मिला है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्रेट बाथ है, स्विमिंग पूल है। ग्रेट गैनरी मिली है, ग्रेट गैनरी अन्नागार जहाँ पे अनाज रखे जाते थे। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, कांसे की बनी हुई एक लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति। एक बियर्ड मैन मिले, एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। टेराकोटा टॉयज मिले हैं, बुल की सील मिली है, पशुपति सील मिली है, 3 सिलिंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया टाइप, ए पीस ऑफ वुवन क्लॉथ और साथ ही साथ एक रेशम का कपड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से। द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? बोरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है।
The बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है. एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 518 स्क्वायर किलोमीटर, 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन जोन बिटवीन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. पूर्वी और पश्चिमी भारत के जंगलों के बीच, जंगलों का ये केंद्र बिंदु है. द सेंचुरी इज मोस्टली कवर्ड इन मैक्स डेसिडियस एंड बॉम्बू फॉरेस्ट. यहां पर क्या है? मिश्रित पर्णपाती और बांस के जंगलों से आच्छादित है. पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड्स मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन. साथ ही साथ यहाँ पूर्वी हाईलैंड्स और नम पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं. यहाँ पर इट इज होम टू टाइगर, लेपर्ड, विल्ड बोर, मंट जैक डियर, गौर, चीतल एंड डियर एक्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटेड बाई अशोकास टू स्प्रेड द धम्म पॉलिसी ऑफ अशोक. अशोक की धम्म नीति का प्रसार करने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अनिवार्य किया गया था? ए युक्तास, बी प्रदेशिकस, सी राजुकास. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो एंड आंसर. ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री और डी वन टू थ्री, ऑल ऑफ देम. क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? व्हाट विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो द करेक्ट आंसर इज डी, वन टू एंड थ्री, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. देखिए 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था. ठीक है, 261 बीसी में, 261 बीसी में इसने कलिंगा पे अटैक किया, कलिंगा की वॉर हुई. और यहीं पे श्रीगुप्त नामक एक बौद्धिस्ट मॉन्क ने इनको ज्ञान दिया. इन्होंने बताया कि भाई अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा से कुछ नहीं मिलने वाला, हिंसा करके आप सब कुछ खो देंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. आपने ये राज्य जीत भी लिया और अगर यहाँ पे रहने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो आप इस राज्य को जीत कर क्या करेंगे? इस तरह से किया इसने. तो अपने शासन के 12वें वर्ष में इसने एक धर्म की शुरुआत की थी जिसको अशोक का धम्म कहा जाता है, अशोक की धम्म नीति. धम्म मीन्स न्यू रिलीजन, नया धर्म, जहां पे इसने बताया कि हिंसा बिल्कुल गलत है, हिंसा नहीं करनी चाहिए मनुष्यों को, हमेशा अहिंसा करनी चाहिए. अपने आसपास के लोगों को, हमारे साथ में काम करने वाले हो, हमसे नीचे काम करने वाले हो, हमारे घर के नौकर हो, उनको भी सम्मान से रहना चाहिए. जानवरों की भी हत्या नहीं करनी चाहिए. इन्होंने अपनी धम्म नीति, धम्म की प्रचार प्रसार के लिए युक्ता जो अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे, प्रादेशिक जो जिला के प्रमुख हुआ करते थे और राजिक जो ग्रामीण अधिकारी थे, इनको ये आदेश दिया हुआ था कि हर 5 साल में ये राज्य के सभी क्षेत्रों में जाएंगे और धम्म नीति की समीक्षा करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे. द एंशियंट धान्यकट का, विच वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहन किंगडम, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. प्राचीन धान्यकट का जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए अमरावती, बी गुंटूर, सी कोलूरु या डी थुल्लूर. द एंशियंट धान्यकट का, विच वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहन किंगडम, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. प्राचीन धान्यकट का जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी वह आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए अमरावती, बी गुंटूर, सी कोल्लूर या डी थुल्लूर. सो करेक्ट आंसर इज गुंटूर. अमरावती के पास में स्थित है गुंटूर, और गुंटूर को पहले धन्यकोटिका कहा जाता था, जो आज की अमरावती के पास में गुंटूर जिले में है. और ये सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, जिन्होंने पहली से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्कन पे शासन किया.
अनअकेडमी के वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 months की. 1 month की कोर्स फी है 1760 रुपीज, 24 month की कोर्स फी है 14,080 रुपीज, 12 month की कोर्स है फी है 9,680 रुपीज. इसमें आपको मिलता है पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस, साथ ही साथ आपको मिलता है ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस भी. यानी कि लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर से अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी भाषा में, अपनी आवाज में पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. इसके साथ साथ ही आपको यहाँ मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस भी, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिससे कि आप एक कोर्स को परचेज करके अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं. इसके साथ ही साथ आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं. अनअकैडमी के जितने भी बैचेस आपकी कैटेगरी में होंगे सभी में आप एनरोल कर सकते हैं. मेरे रेफरल कोड रवि रिवन का इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं 10% का एडिशनल डिस्काउंट. इस डिस्काउंट कोड के द्वारा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आफ्टर दैट योर फी विल बी 12,672 रुपीज एंड फॉर 12 month इट इज 8,712, 8,712 रुपीज. इस पेमेंट को आप ईएमआई के माध्यम से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं. भाई अगर आप 12 month का कोर्स ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक ऑफर चल रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, जो कि 30th of September तक है. इसके बाद ये एंड हो जाएगा. यानी कि अगर आप 12 महीने का सीडीएस एपकेट सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 12 month का एसएसबी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री. यानी कि 17 रुपए पर डे में, 17 रुपए पर डे में रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों की तैयारी आपको यहाँ पे मिल रही है. रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो रही है. देर नहीं करनी है, जल्द से जल्द कोर्सेज को परचेज करें और स्टार्ट करें अपनी जर्नी विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर लाइफ. चूल्हे आसमान जमीन की तलाश नगर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश नगर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इज और आर द 9 gems ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न है? ए अमर सिम्हा, बी हरिसेन, सी कहापन का, या डी ऑल ऑफ द एबो. निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न है? अमर सिंह, हरिसेन, कहापनक या ऊपर की सभी. सो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द एबव. ये सभी के सभी विक्रमादित्य के 9 रत्न थे. अमर सिम्हा जी जो थे वो एक संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे. लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकन क्या होती है? डिक्शनरी होती है. लेक्सिकन मीन्स डिक्शनरी. डिक्शनरी को लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है. इन्होंने अमरकोश नाम से एक डिक्शनरी लिखी थी जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शब्द हैं, जो 3 भागों में थी, कन्नड़ 1, कन्नड़ 2 एंड कन्नड़ 3. धन्वंतरी जो थे उस टाइम के एक बहुत ही फशमू ग्रेट फिजिशियन थे, एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे. हरिशयन क्या थे? हरिशयन भी एक बहुत बड़े पोएट थे, लेखक थे. हैड कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. इन्होंने अलाहाबाद की जो प्रशस्ति लेख है या फिर अलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसको बनवाया था. द टाइटल ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ काव्य बट इट वॉज द बोथ प्रोज एंड वर्स. इसके अंदर प्रोज एंड वर्स दोनों है. होल पोएम इज इन वन सेंटेंस, पूरी की पूरी पोएम एक सेंटेंस में, बट इसके अंदर 8 स्टांजास है. इसके बाद आते हैं कालिदास. कालिदास के बारे में सभी जानते हैं, कालिदास के बारे में सभी जानते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनकी तारीफ की है, इनके लेखों से काफी कुछ सीखा है, नाटककार थे. और इसके बाद आते हैं कहापन का. ये क्या थे? एक एस्ट्रोलॉजर थे. और शंकु जो थे एक आर्किटेक्चर थे. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये एक आर्किटेक्ट थे.
वाराणसी एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे लेखक थे जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता एवं वृहद जतका, ये तीन प्रमुख किताबें हैं। वारुची जो थे ये क्या थे, अनदर जैम थे जो कि एक ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे। इन्होंने प्रकृत प्रकाशा नाम से एक संस्कृत ग्रामर की पुस्तक लिखी थी। वेताल भट्ट क्या थे, एक मैजिशियन थी। वेरी गुड इवनिंग राधे रानी। हु रिबिल्ट द सोमनाथ टेम्पल इन 1815 आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय अरब इन्वेडर्स इन 725। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा सोमनाथ मंदिर को बर्बाद नष्ट किए जाने के बाद पुनः निर्माण किसने करवाया? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य सेकेंड, नागभट्ट 1, नागभट्ट 2 और मेहरभोज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड जो थे 1815 में इन्होंने अरब इन्वेडर्स के द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर की दोबारा से पुनर्संरचना कराई थी और इसको रेड सैंडस्टोन से बनवाया था और इसको फिर से 1025 में 1025 AD में वापस से गजनी के महमूद द्वारा इसको वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी केरला, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर? द सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, बी केरला, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर? सोचा करेक्ट आंसर क्या है, सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के विशालगढ़ में, त्रिपुरा में एक डिस्ट्रिक्ट है विशालगढ़। ये सेंचुरी यहीं पर लोकेटेड है। 18.53 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। इट इज फेमस फॉर इट्स क्लाउडेड लेपर्ड एनक्लोजर, इट इज वुडलैंड विद एन आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। इट गिव्स शेल्टर्स टू वन अबाउट 150 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड यूनिक बी स्पेक्टेकल्ड मंकी, फेरीज, लंगूर। द सेंचुरी हैज बीन डेवलप्ड बोथ एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एन एकेडमिक रिसर्च सेंटर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ किरातार्जुनीया? किरातार्जुनीया के लेखक कौन थे? किरातार्जुनीया, हेलो पुनीत सिंह। किरातार्जुनीया के लेखक कौन थे? भारवी, डंडिन, वाराणमिहिर और कालिदास।
निम्नलिखित में से कौन से किरदार दुनिया के लेखक थे? बारहवीं डंडिन, बारह मिहिर या कालिदास? सो करेक्ट आंसर इसका ए, भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीया लिखी थी। ये छठी शताब्दी के संस्कृत पोएट थे। किरातार्जुनीया का मतलब था अर्जुन एंड द माउंटेन मैन, अर्जुना एंड द माउंटेन मैन मैन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस? निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम में पाए गए? इस सराय, नाहर राय, कुरनूल वैली, बेलन वैली या आहट? एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस? सो करेक्ट आंसर इसका सी, बेलन वैली, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पैलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, न्यू पाषाण काल के सभी क्रम से पाए गए। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिफाइन द न्यूलिथिक रिवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है? ए, हरित क्रांति, बी, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, सी, मिल्क रिवोल्यूशन या डी, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है? ए, हरित क्रांति, बी, प्रौद्योगिकी क्रांति, सी, दूध क्रांति या डी, कृषि क्रांति? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का वहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। टेक्नोलॉजी कोई थी ही नहीं। मिल्क रिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता था क्योंकि लोगों ने अब जानवरों को पालना शुरू किया था। न्यूलिथिक की बात करें तो ये 12,000 वर्ष पूर्व की बात है, 12,000 ईयर्स एगो की बात है। ठीक है, नवपाषाण क्रांति या नवपाषाण जनसांख्यिकी संक्रमण, जिसे कभी कभी कृषि क्रांति भी कहा जाता है, कृषि दुनिया में पहली ऐतिहासिक रूप से सत्यापन योग्य क्रांति थी। ये कई मानव संस्कृतियों के व्यापक पैमाने पर संक्रमण था, जो शिकार और इकट्ठा होने की जीवन शैली से कृषि और निपटान में से एक था, जिसने तेजी से बड़ी आबादी का समर्थन किया। पुरातात्विक डेटा इंगित करता है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया भर में अलग अलग स्थानों में पौधों और जानवरों के, पालतू जानवरों के विभिन्न रूप विकसित हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट अ कंट्री विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस अंडर इट्स एक्सटेंड फंड फैसिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किसी भी देश को उसकी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता करता है? यस पुनीत, यू आर राइट। Which of the following organizations assist a country with the adjustment process under its extended fund facility? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किसी देश को उसकी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता करता है? ए, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ क्या करता है? जब कभी किसी देश क्या है भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करता है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में देश की सहायता करता है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। गीता गोपीनाथ इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका मेन ऑर्गेन है। यूनाइटेड नेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग
मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड इन न्यू स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किया था? ए लखनऊ सेशन 1931, कराची सेशन 1933, लाहौर सेशन 1940 या डी कराची सेशन 1943। कांग्रेस के किस अधिवेशन में या मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किया था? लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन 1943। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कराची सेशन 1943। 1943 के कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। इनको कैद ए आजम कहा जाता है, कैद ए आजम। अभिदम पिटक आर डील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अभिदम पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। अभिदम पिटक निम्न में से किससे संबंधित है? मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। यस पुनीत, दिस क्लास इज ऑल एग्जामिनेशन लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सभी प्रकार के सभी कोर्सेज में आपको ये सभी चीजें आपको हेल्प करेंगी। आंसर इज डी, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। मनोविज्ञान एवं तत्व मीमांसा के मामले अभिदम पिटक के अंदर शामिल है। त्रिपिटक थे बुद्धास के, विनय पिटक, शुद्ध पिटक एंड अभिदम पिटक। दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दारोजी स्वस्थ भालू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एक कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी केरला। दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? कर्नाटक में है ये। दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी कहाँ? कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, विद द एरिया ऑफ 82.72 स्क्वायर किलोमीटर्स, 82.72 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। द सेंचुरी इज फ्लैगशिप स्पेसीज इन इंडियन स्लोथ बियर, जिसका नाम है मेलुरस मेलुसस यूरसिनस। सम स्पेसीज ऑफ मैमल्स रिकॉर्डेड इन दिस सेंचुरीज आर लेपर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, मोंगोज, पेंगोलिंस एंड स्टॉर्ट टॉर्टोइस। द अमचंग विल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूपी? अमचंग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी, कर्नाटका, पंजाब या असम। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है या असम में? सो द करेक्ट आंसर इज डी, असम। आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। असम में कहाँ? असम राज्य में कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन गुवाहाटी असम, एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 78.64 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ आमचंग रिजर्व फॉरेस्ट, साउथ आमचंग रिजर्व फॉरेस्ट, खानपारा रिजर्व फॉरेस्ट। द सेंचुरी रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द रिच एंड इकोलॉजिकल डाइवर्स हैबिटेट फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसीज। हॉलो गिबन, चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग स्क्वेरल, असामी मैक्वे,
कैप्ड लैंगूर, स्नो लॉरिस, लेपर्ड, एलिफेंट, सांबर, बार्किंग डियर, गौर एक्सेट्रा आर द प्रिंसिपल एनिमल्स फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्थलमंडल किसका संयोजन है? ए अपर कोर एंड लोअर कोर, अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, या डी मेंटल एंड कोर। ऊपरी कोर और निचला कोर, ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, पपड़ी और मेंटल का सबसे ऊपर का भाग, या मेंटल और कोर। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? लिथोस्फीयर किसका कॉम्बिनेशन है? सो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए अगर हम पृथ्वी को कट करें और पिज्जा की शेप में एक हम इसकी परत निकालें तो इसमें कुछ इस तरह से लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है क्रस्ट, देन अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये सबसे अंदर का भाग है, इसके अंदर सबसे टफ मटेरियल्स जैसे आयरन और निकेल ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्रस्ट और अपर मेंटल के कुछ भाग की, जिसकी लेंथ है 10 से 200 किलोमीटर के बीच, 10 से 200 किलोमीटर, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। कालीमंथन इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कालीमंथन निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, या डी कंबोडिया। बताइए कालीमंथन किस देश का हिस्सा है? कालीमंथन निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, या डी कंबोडिया। सो द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। कालीमंथन इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। कालीमंथन इज पार्ट ऑफ इंडोनेशियन पोर्शन ऑफ आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। इसमें इट कंप्राइजेस 73% ऑफ आइसलैंड एरिया, जो कि 73% द्वीप के कुल 73% भाग में स्थित है। बोर्नियो ए जायंट रग्ड आइसलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया मलय आर्किप्लाव। मलय द्वीप समूह में विशाल उबड़ खाबड़ द्वीप है। कालीमंथन क्या है? एक विशाल उबड़ खाबड़ द्वीप है। एक 10 kg ब्लॉक ऑफ आयरन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस इन वैल्यू इन कंपैरिजन टू 5 kg ब्लॉक ऑफ आयरन? ए इनर्शिया, मास, वॉल्यूम। लोहे के 5 किलो ब्लॉक की तुलना में लोहे के 10 किलो के ब्लॉक निम्नलिखित में से किसका मूल्य दोगुना होगा? ए जड़त्व का, बी द्रव्यमान का, सी आयतन का। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2, सी ओनली 1 एंड 3, या डी 1 2 3 ऑल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी। अरे मेरे बच्चों एक बात सिंपल सी सोचो, एक ये 5 किलो का टुकड़ा है 5 kg का, और दूसरा इससे डबल है, इससे दोगुना, जिसका वेट 10 kg है। तो इस जब इसका मास बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसकी इनर्शिया, इसका जड़त्व भी तो अपने आप बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा वेट उतना ही जड़ा जड़त्व, तो सभी की सभी चीजें क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। सबकी सब चीजें डबल हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल्स? निम्नलिखित में से कौन उत्तरी पांचालों की राजधानी थी? ए अहिच्छन, बी कांपिल्ले, सी वज्जी, या डी पांचाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल्स? उत्तरी पांचालों की राजधानी कौन सी थी? ए अहिच्छन, बी कांपिल्ले, या सी वज्जी, या डी पांचाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अहिच्छन। नॉर्दर्न पांचाल्स की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? अहिच्छन थी। साउदर्न पांचाल की जो थी वो कौन सी थी? कांपिल्ले थी।
व्हाट वॉज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? ए श्रेणी का, बी एकारत, सी सर्वक्षत्रघंता, सर्वक्षत्रम छत्रंतक, या डी शालीमल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए श्रेणी का। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन लिटरेचर्स के अनुसार, बिंबिसार हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ हरिंगा डायनेस्टी, इट इज नॉन आल्सो नोन एज पापा मारो वंश। पापा मारो वंश, इसको पापा मारो वंश या पापा मारो डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था? श्रेणी का था। द इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, या डी तेलंगाना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसका नया नाम क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये कहां पे? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। कोयम्बटूर जिले के पोलाची, वालपराई और उदमुलपेट तालुक तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये सुनहरे सियार, तेंदुआ, बिल्ली, जंगली बिल्ली, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण, चूहा हिरण, जंगली सुअर, आम लंगूर, बोनट मकाक, एशियाई ताड़ की सिविट आदि का घर है। ये पक्षियों की 16 में से 15 प्रजातियों का भी घर है। पश्चिमी घाट में पार्क में पक्षियों की संख्या 250 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है, जिसमें जलकाक, बत्तख, चैती, डार्टर, दलिया, बटेर आदि शामिल। द विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ट टू कॉमरेट द विक्ट्री ऑफ द राणा कुंभा इन विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा की जीत के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस युद्ध में बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ की लड़ाई, सारंगपुर की लड़ाई, गागरेन की लड़ाई, या गोगुंदा की लड़ाई? कौन से बैटल की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा द्वारा? तो कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ सारंगपुर, जो कि 1437 में हुई थी, 1437 में हुई थी। द बैटल ऑफ सारंगपुर वॉज फॉट बिटवीन राणा कुंभा एंड सुल्तान महमूद खिलजी। महमूद खिलजी और सुल्तान, सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में हुई थी, जिसमें राणा कुंभा विजयी हुए थे और इन्होंने विजय स्तंभ को बनवाया था चित्तौड़गढ़ में अपनी विजय के, अपने जश्न मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने। Which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of the armed forces in India? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार कहां तक लागू हो सकते हैं? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी आर्म फोर्सेस देमसेल्व्स, या डी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज का ही। तो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के तहत कि वो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको रेगुलेट कर सकता है, और इनसे रिलेटेड सभी प्रोविजन, सभी प्रावधान आर्टिकल 35 में किए गए, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और ये पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में, सॉरी पार्ट 3 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन पीपल?
निम्नलिखित में से कौन पुरापाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय था? चलिए 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पुरापाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हंटिंग और फिशिंग। सो द करेक्ट आंसर इज हंटिंग। जो पैलियोलिथिक लोग के पुरापाषाण काल के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। व्हाट इज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका? भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैल सरोवरों की संख्या कितनी है? कितने शैलाश्रय पाए गए, कितने रॉक शेल्टर्स पाए गए भीमबेटका में? A221, B243, C268 या D289? सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? B243। ये जो भीमबेटका है ये कहाँ पे? एमपी में है, भोजपुर में, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में मुख्य कोषाधिकारी किसे माना जाता था? समहर्ता को, पौरा को, संनिधाता को या कर्मन्तिका को? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में मुख्य कोषाधिकारी किसे माना जाता है? इस समहर्ता, बी पौरा, सी संनिधाता या डी कर्मांतिका? सो द करेक्ट आंसर इज सी, संनिधाता। संनिधाता एज पर द अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देयर वॉज टू इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीय प्रशासन में दो प्रमुख महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, इनमें से एक होते थे संनिधाता हु वॉज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड सेकेंड है समहर्ता, द चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, जो राजस्व का कलेक्शन किया करता था, राजस्व को इकट्ठा किया करते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द पटनी कल्ट वॉज एस्टेब्लिश बाई विच संगम रूलर? पटनी पंथ की स्थापना किस संगम शासक ने की थी? नेदुन जेरल अदन चेर शासक, सेन गुट्टुवन चेर शासक, चोल शासक करिकाल या पंडियन शासक नेदु जेलियान? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सेंगुत्तुवन द चेरा रूलर। इन्होंने क्या किया था? द पट्टनी कल्ट, द वर्शिप ऑफ कन्नागी एज एन आइडियल वाइफ वॉज स्टार्टेड बाय द संगुत्तन द रूलर ऑफ चेर। चेर शासकों के जो अंतिम राजा थे, उन्होंने क्या किया था? कन्नगी को अपनी मतलब एक आदर्श पत्नी मान के उनकी पूजा शुरू की थी, और इसके द्वारा उन्होंने पट्टनी कल्ट, पत्नी कल्चर को स्टार्ट किया था, पत्नी कल्चर। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि आपको क्लासेस की सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आपको PDFs वगैरह सारी चीजें और क्लास की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिलती रहेगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब तरक्की करें जीवन में। मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे अपने रोज वाले टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।